तो गाइज़ ये वीडियो में हम लोग टेस्ट करने वाले हैं हमारा मोटो व्लॉगिंग सेटअप। अगर आपने मेरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में मैं उसका लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और एंड स्क्रीन में भी मैं इसका लिंक डाल दूंगा तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट टेस्ट करते हैं हमारा मोटो व्लॉगिंग सेटअप। मिलता हूँ आप सभी से मोटो व्लॉगिंग पे। तो गाइज़ ये है अपनी GT650 द शाइनिंग ब्यूटी। तो चलते हैं अब मोटो व्लॉगिंग का सेटअप ट्राई करने के लिए। लेट्स गो। मोशन ब्लर की सेटिंग्स कर रखी थी लेकिन मैंने अपना गोप्रो में फ़िल्टर लगाना ND फिल्टर लगाना ही भूल गया, तो उस कारण से पूरी की पूरी फुटेज भी ख़राब हो गई है। तो कोई बात नहीं, पहली बार हो जाता है ऐसा, अब आगे से चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। तो रुक के मैंने इसलिए सोचा कि एक बार चेक कर लेते हैं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, और प्रॉब्लम निकल आई। बट कोई बात नहीं, अच्छा है जितना जल्दी पता चल गया। अब आगे अपन टेस्ट करते हैं। अभी तो आवाज़ आ रही है ना, अभी मैंने मोशन ब्लर वाली सेटिंग्स भी हटा दी है तो अब शायद फुटेज सही आएगी और ऑडियो भी अब सही आना चाहिए। तो गाइज अभी मस्त गाड़ी 140 की स्पीड तक में भगाई हमने, बट वो कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया, कुछ सही से नहीं दिख पाया, बिकॉज हमने 24 FPS सेटिंग करी थी, 24 FPS और शटर 1/48। तो ये सेटिंग क्या है, मोशन ब्लर को कैप्चर करने के लिए अच्छा होता है, तो वो वाली सेटिंग लगाई थी। बट उसके साथ आपके पास एक ND फिल्टर भी होना चाहिए, वो लगा हुआ होना चाहिए, तो वो अपन नहीं लगाए हुए थे तो पूरी ओवर एक्सपोज हो गई है हमारी फिल्म। तो कोई बात नहीं, अभी आगे की फिल्म रिकॉर्ड कर लेते हैं और इसमें हम टेस्ट कर लेते हैं हमारी ऑडियो क्वालिटी, कैसी ऑडियो क्वालिटी आ रही है और कैसी वीडियो क्वालिटी आ रही है। थोड़ी शाम हो जाएगी तो फिर दोबारा से मोशन ब्लर वाला सेटिंग किया जा सकता है, बिकॉज फिर ओवर एक्सपोज नहीं होगी, अंधेरा ही रहेगा। तो कहीं रुक के कुछ पीना पड़ेगा, प्यास लगाई है, गर्मी बहुत है। ₹130 हमने दोबारा टच कर लिया है गाइस, पता ही है क्या विंड ब्लास्ट आ रहा है ज़्यादा। या फिर बढ़िया है ऑडियो क्वालिटी। बाइक 130 तो पहुंच जा रही है लेकिन 140 नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ा भीड़ ज़्यादा है, लंबा स्ट्रेच मिल नहीं रहा है। ₹130 भी अच्छी खासी स्पीड है वैसे तो। सभी को पीछे छोड़ते हुए दिनेश कुमार खरगोनिया आगे निकलता हुआ, और दिनेश खरगोनिया के साथ साथ दिनेश खरगोनिया ब्लॉग्स के फॉलोअर्स भी सबको पीछे छोड़ते हुए आगे। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा के डायलॉग की तरह, सिगरेट की धुआं की तरह मैं ऊपर और सारी दुनिया राख की तरह नीचे।
गाइस कुछ ही दिन में एक बढ़िया ट्रिप हमारी आने वाली है, जिसको मैं अभी तो डिस्क्लोज नहीं करूँगा आप सभी को। बस आप मेरे साथ बने रहिए, आई प्रॉमिस यू कि बहुत ही मज़ा आने वाला है उस ट्रिप में। काफ़ी सारे लोग जुड़ने वाले हैं और बहुत ही धमाकेदार राइड होने वाली है। तो गाइस करजन के हॉर्नेस्ट जा रहे हैं हम लोग। एक आउटलेट है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें खाने पीने के लिए मिलती हैं, KFC, मैकडी और भी बहुत सारा आउटलेट्स होते हैं, तो वो वहाँ तक जाने का प्लान किया था आज मैंने। तो करजन के हॉर्नेस्ट तक पहुँचेंगे फिर वहाँ से वापस। गाड़ी की स्पीड है अभी 130, थोड़ा लंबा स्ट्रेच मिला है, लेट्स ट्राई फॉर 140। हाँ गाड़ी ने टच कर लिया 140, 5,500 RPM। बस सर्विसिंग हुई नहीं है गाड़ी की, अभी इतना नहीं भगाना चाहिए। खाली रास्ता देख के दिनेश खरगोनिया से रहा नहीं जाता है बिल्कुल। ऐसा लग रहा है विंड छपेड़े मार रही है, कभी लेफ्ट साइड से कभी राइट साइड से। ये हाईवे ऑसम है यार। एक सौ दस 120 की स्पीड पे ही चले जा रहे हैं, नीचे ही नहीं आ रहे हैं। करजन टोल आने वाला है 2 किलोमीटर पे और उसके पास ही है हॉर्नेस्ट। गाइस ऑनेस्ट आ गया, बोर्ड दिख रहा है हमें ऑनेस्ट का। सो फाइनली वी आर हियर। ये 100 की स्पीड में बैलेंसिंग कैसी है गाड़ी की, राइट साइड में क्यों भागती है। बहुत भारी क्राउड है बाबा, किधर जाएंगे अपन, किधर जाएंगे। CCD, Starbucks, बहुत हैवी क्राउड है। CCD ही चलते हैं। गाइज वी हैव फाइनली रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। कैसा लगा आपको मेरा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप का रोड टेस्ट, और कैसा लगा आपको व्यू एंगल और साउंड क्वालिटी ऑफ माइक, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। तो चलिए इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का ब्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो। और बहुत जल्द एक मस्त ट्रिप आने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड विद मी गाइज, बहुत मज़ा आएगा आगे।
तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में, सी यू देन।